अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां बीती रात ढांचा भवन क्षेत्र में शराब के नशे में उत्पात मचाकर दो युवकों ने क्षेत्र में खड़ी करीब आधा दर्जन से अधिक बाइक को नुकसान पहुंचाकर दहशत पैदा कर खुलेआम शराब पी रहे थे। इस दौरान रहवासियों ने उन्हें ललकारा तो युवक भाग गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़कर उनका उसी क्षेत्र में जुलूस निकाल दिया। शहर के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र के ढांचा भवन में रविवार रात को दो युवकों ने शराब पीकर क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों को फेंक कर आतंक मचाना शुरू कर दिया। गाड़ियों की आवाज सुनकर कई लोग घर से बाहर निकल आए। इसके बाद भी उत्पात मचा रहे दोनों का खड़े होकर शराब पीते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जिसमें दोनों युवक शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद रहवासियों ने सामने से गुजर रहे एक पुलिसकर्मी को घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने भी रहवासियों को सहयोग नहीं किया। घटना के बाद क्षेत्र की पार्षद राखी कड़ेल ने बताया कि रोजाना इन लोगों की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों और महिला के साथ छेड़खानी की जाती है। बहुत परेशान हो गए, बीती रात भी गाड़ियों में आग लगाने की धमकी देते रहे। तारा सोलंकी ने बताया कि कई दुकानों को बंद करवा कर शराब पार्टी करते हैं और फिर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। घटना के बाद डरे सहमे लोगों ने थाना चिमनगंज में दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रोहित और भानु नामक युवकों को गिरफ्तार कर उसी क्षेत्र में जुलूस निकाल दिया जिसमें बीती रात वे हंगामा मचा रहे थे। इधर आ रहे, इधर आ, इधर आ, कहाँ भाग रही है? तू भी रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे गुंडे वहाँ खड़े हो, ये पकड़ ही नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी भाई साहब, रात को मतलब खूब यहाँ पर दारू पी के हंगामा किया और आने जाने व्यक्तियों को मतलब रोक रोक के गाली बक रहे थे और यहाँ की जो दुकानें हैं सबकी शटर बंद करा दी और सारा सामान बाहर फेंक दिया। ढांचा भवन के रहवासी द्वारा एकत्र होकर थाना चिमनगंज मंडी पर शिकायत की गई कि दो तीन लोग जो है नशा करके और गंदता मचा रहे हैं वहाँ पर गलियों में। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करी, गाली गलौज करी लोगों के साथ, जिसके आधार पर हमने संबंधित धाराओं में अपराध कायम किया है। वर्तमान में लोगों को चिन्हित किया तो दो लोग ढांचा भवन के रहवासी भानु और रोहित ततैया नाम के आए हैं। अभी उनका एक और साथी जिसको अभी क्लियर नहीं कर पाया हमने, इनकी सूचना पर आज रवाना करके टीम हमने रवाना करी, उनको गिरफ्तार किया हमने।